आज कठिन जग माही। वैसे एक बात बताऊं, हनुमान जी महाराज के पूरे चरित्र को अगर एक अर्धाली में बखान करना हो तो वो एक अर्धाली अपने आप में, यही एक अर्धाली संपूर्ण है हनुमान जी महाराज को। उनके चरित्र को बखान करने के लिए, उनकी महिमा को बखान करने के लिए, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई ताक तुम पाही। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी महाराज के लिए असंभव हो। ध्यान दीजिए, कटा है प्रभु की। तो कहा कवन सो काज कठिन जग माही। बोले अच्छा ऐसा, तो सहित सहाय रावण नहीं मारी। इतनी चिंता कर रहे हैं आप लोग, अरे आप लोग कहिए मैं जाऊं रावण को उसके दलबल के साथ वहीं मार के आ जाऊं, सारा मामला ही समाप्त कर दूं। तो बानर सेना ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु ऐसा अनर्थ तो कर मत दीजिएगा। कहा क्यों? अरे कहा हम लोग ये सोच के बैठे हैं कि भगवान रावण को मारेंगे और मारने के बाद उस तिथि को आने वाला हमारा धर्म, हिंदू धर्म, दशहरे के रूप में मनाएगा, फटाका फोड़ेगा, गुब्बारे लगाएगा, और आप ऐसे गुपचुप तरीके से जाके मार के आ जाएंगे रावण को, पूरा त्योहार प्रभु नष्ट कर देंगे, हम लोगों का आनंद चला जाएगा, ऐसा अनर्थ मत करेगा। नहीं नहीं बिल्कुल मत, अकेले गुपचुप मत मार दीजिएगा। तो हनुमान जी का ऐसी बात है तो आने त्रिकूट पारी। आप कहिए तो मैं पूरा लंका को लेकर यहीं आ जाऊं, हम सब मिलकर मारे रावण को एक साथ, ये सब कर सकता हूं मैं, इसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मेरे लिए असंभव हो। लेकिन ये सब कर पाने के बावजूद भी जामवंत मैं पूछूं तो ही कि उचित सिखावन दीजहु मोही। यही जामवंत जी महाराज माने हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग, हमें दिशा दिखाने वाले, हमारे माता पिता, हमारे गुरु संत महात्मा, हमारे टीचर्स अध्यापक। हम लोगों में पराक्रम तो है, पुरुषार्थ तो है, लेकिन मार्ग कौन दिखाएगा, सही दिशा कौन दिखाएगा? वरना आपका सारा पुरुषार्थ गलत जगह लग गया तो सारी एनर्जी गलत जगह लग गई, फिर एनर्जी को सही जगह लगाना भी बहुत जरूरी है। यही कह रहे हैं हनुमान जी की जामवंत मैं पूछूं तो ही कि उचित सिखावन दीजहु मोही। क्या करूं ये बताइए। तो जामवंत जी महाराज ने कहा, हनुमान जी पहली बात तो ये है कि आप कह रहे थे कि लीला ही नांगहु जल निधि कारा, लीला में समुद्र लांग जाएंगे आप, तो ये लीला वीला अपनी आप अपने पास रखिए, हमें आपकी लीला नहीं देखनी, ये लीला वीला मत दिखाइए अपने। क्यों? जामवंत जी ने कहा इसलिए अपनी लीला अपने पास रखिए क्योंकि हम लोग रामलीला के मेंबर हैं, जितने भी हैं यहाँ पे रामलीला के पात्र हैं, और ये रामलीला चल रही है, इस रामलीला को हमें हनुमान लीला में तब्दील नहीं करना है। ये आपकी लीला नहीं, प्रभु की लीला है। हाँ क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि रावण ने ये अध्यादेश पारित किया है, उसने ये चैलेंज किया है भरी सभा में कि निज भुज बल मैं पैर बढ़ावा और देई हूं उतर जो रिपु चढ़ी आवा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर दुश्मनी ली है, आने तो जो आएगा, आने तो जो आएगा उसको देखा जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा तो मुझे क्या करना है? कहा आपको केवल इतना करना है कि जाकर माता जानकी की सुधि लेके वापस आ जाना है, और कुछ ज्यादा नहीं करना। तो कहा फिर रावण कैसे मरेगा? कहा जब रावण ने कहा है निज भुज बल मैं बैर भरावा, तो आप जाके माता जानकी की सुधि लेके वापस आ जाइए, और तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना। तब हमारे प्रभु अपनी भुजाओं के बल पे जाकर के रावण का संहार करेंगे। ये बानर सेना तो केवल मजाक मस्ती के लिए है, लीला के लिए है। कौतुक लागी संग कपि सेना, हमें कुछ करना नहीं है, करने वाले तो सब प्रभु है। कपिसेन संघ संघारी निश्चर राम सीत ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। और जो सुयश होगा वो प्रभु का होगा, हमको आपको अपने सुयश के लिए कुछ करना नहीं है। हनुमान जी ने कहा ये बात मुझको बिल्कुल जम गई, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही, अब मैं चल देता हूं। प्रसन्न हो गए हनुमान जी, मुझको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल माता जानकी को खोज के आइए,
चल पड़े हनुमान जी महाराज की जामवंत के बचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सबसे बोला रुकिए, चिंता मत करिएगा, मैं आता हूं तब तक सुग्रीव की चिंता मत करिएगा। तब लगी मोहि परिखेव तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीत ही देखी, और होई काज मोहि हरस बिसेखी। अब यही देखिए, यही है विश्वास। भगवान के प्रति, भगवान के नाम पर विश्वास। वो कह रहे हैं होई ही काज, कोई संशय वंशय नहीं है मुझे जी, संशय कछु फिरती बारा। वैसे तो वो कथा अलग है, एक किंवदंती आती।